हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आई हैं हरा भरा पालक का पराठा। ये पालक और आलू का पराठा है जो बाहर से भी हरा है और अंदर से भी हरा है। ये मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है। आप भी अपने घर पे पालक के पराठे बनाते होंगे, लेकिन एक बार मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वैसे ट्राई करके देखिए, काफ़ी टेस्टी लगेगा और ये काफ़ी हेल्दी भी है। इसके लिए यहाँ हमने सबसे पहले 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इस 2 कप गेहूं के आटे में मैंने पालक कम से कम 100 ग्राम जितना पालक था, जिसे मैंने डायरेक्ट मिक्सी में बिना पानी के बस इसे घुमा लिया, तो इसका एक मिक्सचर जो बन गया था पेस्ट, उस पालक के पेस्ट को यानी कच्चे पालक के पेस्ट को मैंने ये गेहूं के आटे में डाला है। उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाला है 1/2 चम्मच, और ये मैंने 1/2 चम्मच कलौंजी डाला है। उसके बाद हमने यहाँ पे पालक की स्टफिंग के लिए जो हमने पालक कट करके रखे हैं वो मैंने ज़रा से मतलब 2 चम्मच कट करके जो पालक है वो भी इसमें डाल दिया है, और इसका एक आटा नॉर्मल सा गूंथ के तैयार कर दिया है। अब यहाँ हमें एक मसाला बनाना है जो हमें स्टफिंग के लिए करनी है। यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है बर्तन में, और यहाँ लहसुन और हरी मिर्ची का एक पेस्ट बना के रखा है, और 2 आलू को बॉईल करके रखा है, और हमने हरा पालक जो है वो बारीक कट करके रखा है। तेल में हम हरी मिर्ची और लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमारा बारीक कटा हुआ जो पालक है वो डाल के इसे मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे, जिससे क्या है कि उसका जो थोड़ा सा पानी है पालक का वो सूख जाए। और उसके बाद हम मसालों में और कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद हमारा जो बॉईल किया हुआ आलू है वो डाल के इसे हम मैश कर देंगे, और हम इसे नमक डाल के मिक्स करके हमारा आलू पालक का मसाला तैयार है। अभी यहाँ जो हमने आटा गूंथा था उसकी एक लोई ले ली है रोटी जितनी, उसको हम बस थोड़ा सा बेल लेंगे, साइड पतला रखेंगे और बीच से थोड़ा मोटा रखेंगे, और जो हमने आलू और पालक का मिक्सचर बनाया है उस आलू और पालक के मिक्सचर को हम इसमें रख के चारों तरफ से अच्छे से पैक कर देंगे। दोस्तों, ये जो मैंने आटा गूंथने में जो मैंने पालक यूज़ किया है वो इसलिए किया ताकि कैसे भी करके हम चाहते थे कि हमारा पालक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाए। क्या है, आप पूरा बारीक कटा पालक डालेंगे तो क्या उसका एक फ्लेवर क्या बच्चों को कभी पसंद नहीं आता। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये ट्रिक यूज़ किया कि हमने थोड़े से पालक को पीस के हमने आटे में गूंथ लिया है, जिससे हमारे पराठे का कलर भी अच्छे से हरा हो जाएगा, और उसके बाद आधे पालक को हमने ये आलू के मिक्सचर में मिक्स करके इसकी स्टफिंग तैयार की है। और कोई रीज़न नहीं है मेरा इस तरीके से ये जो आटे में गूंथने का, कि हम ये पालक का पराठा बना रहे हैं तो ये अंदर से भी हरा होना चाहिए और बाहर से भी, इसीलिए हमने ये ट्रिक यूज़ किया है। अभी हमने ये पराठों को अच्छे से बेल के तैयार कर लिया है, और इसे हमने गरम तवे पे रख दिया है। अब उसके बाद हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से तेल लगा के सेंक लेंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन सभी व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और साइड में दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हम इसी तरीके से हेल्दी रेसिपी को ट्विस्ट के साथ और डेली रूटीन में आपको जो भी घर पे अवेलेबल उससे क्या एक नया डिश बना के तैयार कर सकते हैं, ऐसे ही यूनिक वीडियोस हम अपलोड करते हैं। आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगे हमारे ये डिशेस, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और सपोर्ट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। ये जो पराठे हैं इसमें हमने ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं यूज़ किए हैं, हमने तीखेपन के लिए सिर्फ हरी मिर्ची का ही यूज़ किया है, क्योंकि हरी मिर्ची का कलर हरा होगा तो इसीलिए हमारा पराठा भी सब कुछ एकदम हरा भरा ही दिखाई देगा। हमने लाल मिर्ची पाउडर यहाँ यूज़ नहीं की है, सिर्फ मसाले फ्लेवर में हमने हरी मिर्ची और लहसुन का ही यूज़ किया है, और बस एक चुटकी जो है हमने मसाला तैयार करने के टाइम हल्दी डाली थी। आप यहाँ पर चाहिए तो आप पालक के साथ, आपके पास अगर हरा धनिया अवेलेबल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पालक की क्वांटिटी ही ज़्यादा है तो आपको फिर हरा धनिया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
ये जो पालक का पराठा है ये आप बच्चों को आराम से टिफ़िन में या फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में आप बना के दीजिए, क्योंकि पालक जो है वो काफ़ी एक हेल्दी सब्ज़ी है और बच्चे आसानी से पालक की सब्ज़ी वगैरह खाते नहीं हैं, सो इसलिए हमने इसमें थोड़ा आलू मिक्स करके स्टफिंग तैयार किया है। सो दोस्तों, हमारा पराठा बनके तैयार है।